मेरे मैं अट्रैक्ट हूँ, इसलिए मैं आईओए पर्सन बनाने इसके बाद भी मेरे को अच्छा करना है स्पोर्ट्स के लिए। बच्चा मीन्स मेरा प्रेफरेंस है एथलीट्स, एथलीट्स के लिए ही। स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद भी हम स्कूल शुरू किया है ना अपना विलेज पे, उधर पयोली पे, नहीं किनालोर पे। उधर बच्चा लोग अभी पहले 12 था, अभी 20-25 है। हम तो पैसा नहीं लेता है, फीस कुछ नहीं, सब कुछ फ्री है विलेज वाला उधर का। बहुत वो सिर्फ केरला का नहीं है, वो उधर उत्तर प्रदेश का लड़की लोग है, महाराष्ट्र का लोग है, आंध्रा का है, तेलंगाना का है, तमिल का है, लोग है, बच्चा लोग है। मैं अभी कर रहा है ना उन लोगों के लिए, मेरे बच्चे लोग अच्छा कर रहे हैं अभी। वो मेरा हमारा स्कूल का 2002 में शुरू हो गया था, अभी 7 लड़की लोग इंटरनेशनल में खेला और एक लड़की ओलंपिक सेमीफाइनल तक आ गया, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, 78 इंटरनेशनल मेडल भी जीत गया हमारा लड़की लोग। मेरा परफॉर्मेंस से मेरा प्रधानमंत्री जी ने बहुत किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता है वही से आ गया। मैं कभी भी नहीं सोचा इसी ने, बिकॉज मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ कष्ट यही है प्रेसिडेंट बना के बैठने का, बहुत कष्ट है, बहुत बहुत प्रॉब्लम रहा अभी, बहुत बहुत ना, बहुत बहुत लोग बहुत बहुत डिफरेंट है ना, तो बहुत यही प्रॉब्लम है। ये सबको इकट्ठा करके एक ही लाइन में लेके आना है, एक ही लाइन में लेके आना है, टीम वर्क करना है, तो टीम में अच्छा होगा। वैसे करके लेके कोशिश कर रहे हैं हम, इंडिया के लिए ज्यादा मेडल जीतना है, इंडिया का स्पोर्ट्स अपग्रेड करना है, वो मैं बहुत ये है मेरा। बिकॉज आजकल बहुत एक एसोसिएशन आप देखा तो 3 होगा, और दूसरा मैं ओलंपिक एसोसिएशन देखा उसमें भी 2-3 होगा, तो ये सब इसलिए प्रॉब्लम है बच्चा लोगों को, एथलीट के लिए एथलीट को प्रॉब्लम हो रहा है, वो 3 एसोसिएशन में कैसा करें। ट्राइंग टू मेक ईच एंड एवरी डिसिप्लिन 1 एसोसिएशन, सम ऑफ दम अभी थ्री 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 डिसिप्लिन में हमें एडो कमिटी बनाया है आईओए ने, दूसरा हम डिसमिस करके सस्पेंड करके हम एडो कमिटी बना के अभी नया इलेक्शन के लिए जा रहा है। ऐसा सब क्या क्या प्रॉब्लम है एसोसिएशन में, वो सब ऐसे निकाल के एक एसोसिएशन के लिए हम कोशिश कर, एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट सपोर्ट एंड एंड आईओए डू गुड, देन द प्लेयर्स के लिए अच्छा होगा। वही है हमारा बहुत बहुत एक एक एसोसिएशन का है, बहुत प्रॉब्लम है वो तो सब अभी ट्रैक में आ रहा है, एक आई थिंक विद इन 1 ईयर विल सॉल्व इट एवरी। तो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाने के लिए कोई एसोसिएशन का मेंबर और सम पोजिशन में आप होना चाहिए था, मैं किधर भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है, किधर भी मैं नहीं था, पता नहीं इसके लिए मैंने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का टीम का उसमें एकदम टॉप में आके ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, पता नहीं मेरे को मालूम नहीं है कैसा आ गया, बट मैं बहुत मैं पता नहीं ये मैं राज्यसभा एमपी बन गया, इधर भी आ गया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्राइम मिनिस्टर को मैं दे रहा है मैं वही लेके आया ऐसे सोच रहा है मुझे बहुत वो बहुत पता है बहुत ये अवर मोदी जी को मालूम है सब ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत करता है, लाइक स्पोर्ट्स जाने के एशियन गेम्स जाने का और ओलंपिक जाने के टाइम भी आने के टाइम भी प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहा है, सब कुछ वेरी डीपली वो मीन्स बहुत गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये वेट लिफ्टिंग में भी मेडल जीत किया है, मैं बहुत खुशी हूँ। सिर्फ इधर ज्यादा तो फुटबॉल में ज्यादा है ना, फुटबॉल बट 2 दे लॉस्ट बट अदर गेम्स ऑल्सो दे आर गेटिंग मेडल्स, इसीलिए मैं बहुत खुशी हूँ। ऑर्गेनाइजिंग टाइम तो ज्यादा मेडल भी होता तो अच्छा है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी ज्यादा बढ़ गया इधर ना, तो अभी एक ध्यान रखना है ये इंफ्रास्ट्रक्चर थिंग मेंटेन करके बच्चों को लेके आके फैसिलिटीज देना है, सब यूटिलाइज करना है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी अच्छा है, बहुत बहुत इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स का, बहुत मीन्स वेरी एक्टिव है, तो वो भी अच्छा हो गया, इसीलिए ये आईओए और ये गवर्नमेंट इकट्ठा करके अच्छा नेशनल गेम्स कर दिया है, बहुत अच्छा से। मैं भी इधर 3 टाइम आ गया है तो मैं फैसिलिटीज देखा था, हमारा आईओए का ईसी मेंबर जीटीटीसी चेयरमैन अमिताभ शर्मा जी ने मैक्सिमम आई थिंक लास्ट 8 मंथ वो इधर ही था गाइडिंग दम, वो बहुत हार्ड वर्क किया हमारे लिए, तो ही यूज्ड टू गिव मी एवरी डिटेल्स एवरी टाइम, और डे टू डे ये ना इधर का ये ऐसे चल रहा है ऐसे हो रहा है सब मेरे को मिल रहा था, बात कर रहा था, तो मैं भी कॉन्फिडेंट में था, वो बहुत कॉन्फिडेंट से बोला था नो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा करेंगे हम तो इस साल अच्छा करना है, ऐसे मैं भी वाके देखा था ना।
नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। जब हम बात गांव की करते हैं तो मेरे बचपन में एक नाम हमेशा आता था कि अगर कोई भी गांव का बच्चा या बच्ची तेज दौड़ती थी तो हम बोलते थे पीटी उषा हो गया। और इनके साथ दौड़ने वाली एक शख्सियत जो हमारे रिश्तेदारी में आते हैं, नाम था राम कुमार पांडे, और वो इनके साथ दौड़ने के लिए केरला में शायद चौथी या पांचवी पोजिशन जिसमें भी रहे हों उनके लिए एक आइकॉन थी। केरल की एक गांव में पैदा हुई एक बच्ची ने सबसे पहली युवा एथलीट होने का गौरव भारत को दिया। गोल्ड मेडल से लेकर ना जाने कितनी उम्मीद भारत के गांव गुरबों में बस रही बच्चियों को दिया कि बच्चियां कमाल कर सकती हैं। और मेरा यह सौभाग्य है कि हम बोलते हैं कि हम हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज एक गांव की गूंज जिसको पूरी दुनिया जानती है और दुनिया इतिहास के पन्नों में इस गूंज को हमेशा जानेगी, क्योंकि इन्होंने गांव से निकलकर आज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन का पद संभाला है, पद चेयरमैन का, अध्यक्षा के रूप में। जिस तरीके से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन गांव के हर उस बच्चे को ट्रांसपेरेंट वे में सहायता कर रहा है, नई तकनीक के साथ और गांव की ताकत के साथ, तो उम्मीद है कि गोल्ड मेडल की बौछार जरूर जगेगी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में। बहुत धन्यवाद। कल में गांव की एक ताकत और आज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लीड करना, कैसा रहा सफर आपका? देखो, पता नहीं मेरे को कैसे आ गया है। मैं अभी कभी भी मैं नहीं ऐसे सोचा था वनडे में बिकम राज्यसभा एमपी और वनडे आई विल बी बिकम ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट, कभी मैं ऐसे नहीं सोचा। तो मेरा परफॉर्मेंस मैं बहुत, ये सब आ गया बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस। वो परफॉर्मेंस है मेरा प्राइम मिनिस्टर ने बहुत किया होगा, मैं इसलिए मैं आया होगा। मेरे को पता नहीं कैसा हो गया मेरे को, तो मैं बहुत खुशी हूँ। बट मैं एथलीट हूँ इसलिए मैं आईओए पर्सन बनाने इसके बाद भी मेरे को अच्छा करना है स्पोर्ट्स के लिए। बच्चा मीन्स मेरा प्रेफरेंस है एथलीट्स के लिए ही मैं। तो आप अभी मैं बहुत खुशी हूँ, अभी हमारे से लास्ट एशियन गेम्स में 70 मेडल मिला था, अभी तो 107 मेडल मिल गया, तो मैं बहुत खुशी हूँ। हमारा प्राइम मिनिस्टर का विजन है इंडिया बिकम ए स्पोर्टिंग पावर, इसलिए बहुत फैसिलिटीज दे रहा है स्पोर्ट्समैन को, एक्सपोजर दे रहा है, फॉरेन कोचेस को दे रहा है, फिर अच्छा से इंसेंटिव्स दे रहा है, एंड फिजियो मसाजर्स सम बहुत सपोर्टिंग स्टाफ है सात लोगों का, प्लेयर्स का, फिर एसोसिएशन ने अच्छा से गवर्निंग भी अच्छा से कर रहा है, इसलिए आईओए ने सब कोऑर्डिनेशन कर रहा है, तो अभी अच्छा परफॉर्मेंस भी आ रहा है, तो इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ। गोवा में जब नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहा था, शुरुआत से लेकर जीटीसीसी चेयरमैन अमिताभ शर्मा जो आपसे लगातार फोन पर और बाकी चीजों में चर्चा करते हुए इस गेम की एक रूपरेखा बना रहे थे, तो उस समय आपको लगा था कि वाकई गोवा में 37th नेशनल गेम इतना बेहतरीन तरीके से हाईवे ऑर्गेनाइज कर लेगा? देखो मैं भी इधर 3 टाइम आ गया है, तो मैं फैसिलिटीज देखा था। हमारा आईओए का इसी मेंबर जीटीटीसी चेयरमैन अमिताभ शर्मा जी ने मैक्सिमम आई थिंक लास्ट 8 मंथ वो इधर ही था गाइडिंग दम, वो बहुत हार्ड वर्क किया हमारे लिए, तो ही यूज्ड टू गिव मी एवरी डिटेल्स एवरी टाइम, और डे टू डे ये ना इधर का ये ऐसे चल रहा है, ऐसे हो रहा है, सब मेरे को मिल रहा था, बात कर रहा था, तो मैं भी कॉन्फिडेंट में था। वो बहुत कॉन्फिडेंट से बोला था, नो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा करेंगे, हम तो इस साल अच्छा करना है, ऐसे मैं भी वाके देखा था ना पहले। तो इधर का स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी अच्छा है, बहुत बहुत इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स का, बहुत मीन्स वेरी एक्टिव है, तो वो भी अच्छा हो गया, इसीलिए ये आईओए और ये गवर्नमेंट इकट्ठा करके अच्छा नेशनल गेम्स कर दिया है, बहुत अच्छा से कर दिया, इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ। बिल्कुल, देखो इधर गोवा का ये बच्चे लोग मीन्स बहुत गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वेट लिफ्टिंग में भी मेडल जीत किया है, मैं बहुत खुशी हूँ। सिर्फ इधर ज्यादा तो फुटबॉल में ज्यादा ये ना फुटबॉल बट दो दे लॉस्ट, बट
द अदर गेम्स ऑल्सो दे आर गेटिंग मेडल्स, इसीलिए मैं बहुत खुशी हूँ। ऑर्गेनाइजिंग टाइम तो ज्यादा मेडल भी होता तो अच्छा है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी ज्यादा बढ़ गया इधर ना, तो अभी एक ध्यान रखना है ये इंफ्रास्ट्रक्चर थिंग मेंटेन करके बच्चों को लेके आके फैसिलिटीज देना है, सब यूटिलाइज करना है। जब खेलो इंडिया और खेल की नई नीति के साथ भारत सरकार आगे बढ़ रही है, मोदी जी ने जिस तरीके से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कमान खिलाड़ियों को दी है, ये पहली बार हुआ है इतिहास में जैसा मैं जान रहा हूं। तो अब मैनेजर नहीं है, आपके समय में क्या कभी आपने सोचा था कि आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन से कभी मुलाकात कर पाओगे? नहीं, मैं कभी भी नहीं से नहीं सोचा। क्यों है ना, वो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाने के लिए कोई एसोसिएशन का मेंबर और सम पोजीशन में आप होना चाहिए था। मैं किधर भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है, किधर भी मैं नहीं था, पता नहीं। इसके लिए मैंने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का टीम का उसमें एकदम टॉप में आके ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, पता नहीं मेरे को मालूम नहीं है कैसे आ गया। बट मैं बहुत, मैं पता नहीं, ये मैं राज्यसभा एमपी बन गया, इधर भी आ गया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्राइम मिनिस्टर को मैं दे रहा है मैं वही लेके आया, ऐसे सोच रहा है वो बहुत, वो बहुत पता है बहुत ये अवर मोदी जी को मालूम है सब ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत करता है, लाइक स्पोर्ट्स जाने के, एशियन गेम्स जाने का और ओलंपिक जाने के टाइम भी, आने के टाइम भी प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहा है, सब कुछ वेरी डीपली वॉच कर रहा है। दरअसल जब आपकी मुस्कुराहट और मोदी जी का एक अच्छे जौहरी के रूप में चुनना आपको, क्योंकि आप भारत की धरोहर हैं जिसको हर गांव जीना चाहता है, गांव की बच्चियों को जो गांव देहात में बैठी हैं, जैसे यूपी में आपका बड़ा नाम है, आपके बड़े फैन हैं, फैन इसलिए हैं कि कई खिलाड़ी उस समय आपके साथ दौड़े हैं, उन्होंने कोशिश की कि आगे आपका नाम बढ़ाया जाए, तो ऐसे गाँव देहात में बैठी हुई बच्चियों को आप क्या कहना चाहेंगी कि कैसे दौड़े खुलकर, क्योंकि आपने जब पहली दौड़ चालू की होगी उस समय तो बंदी से कही रही होंगी। देखो मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स छोड़ने का बाद भी हम स्कूल शुरू किया है ना अपना विलेज पे, उधर पयोली पे, नहीं किनालोर पे, उधर बच्चा लोग अभी पहले 12 था, अभी 20-25 है। हम तो पैसा नहीं लेता है, फीस कुछ नहीं, सब कुछ फ्री है विलेज वाला उधर का, बहुत वो सिर्फ केरला का नहीं है, वो उधर उत्तर प्रदेश का लड़की लोग है, महाराष्ट्र का लोग है, आंध्रा का है, तेलंगाना का है, तमिल का है, लोग है, बच्चा लोग है। मैं अभी कर रहा है ना उन लोगों के लिए, मेरे बच्चे लोग अच्छा कर रहे हैं अभी। वो मेरा हमारा स्कूल का 2002 में शुरू हो गया था, अभी 7 लड़की लोग इंटरनेशनल में खेला और एक लड़की ओलंपिक सेमीफाइनल तक आ गया, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, 78 इंटरनेशनल मेडल भी जीत गया हमारा लड़की लोग। तो अभी एमपी बनने के बाद में हमारा एक आदर्श ग्राम है, प्रधानमंत्री जी का वो नया स्कीम है संसद आदर्श ग्राम, वो हम एडॉप्ट किया है एक कोटेम जाके, उधर का डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल जीतने वाला बच्चा लोगों को 25 में इधर लेके आया दिखाने के लिए, एशियन गेम्स दिखाने के लिए, नेशनल गेम्स दिखाने के लिए। वो बच्चा लोग अभी, कोई बच्चा लोग वो ट्रेन में भी अभी ट्रैवल नहीं किया था, वो डिस्ट्रिक्ट मीट से एकदम आके स्टेट मीट देखा था, अभी एकदम बड़ा मीट देखे, वो लोग बहुत मोटिवेशन करके गया, बहुत बहुत ये उधर अभी केरला, केरला का स्पेशल ये केरला प्रवी दिन में वो गेम्स है, उसमें गेम्स में एक लड़का इधर लेके आया था ना, वो लड़का जीत गया, ये देख के ना बहुत मोटिवेशन हो गया। ऐसा करना है बच्चा लोगों को ग्रास रूट लेवल से, मैं मेरे को क्या क्या कर सकता है, बहुत सब कुछ मैं करता है, कर रहा है अभी। तो आपके साथ तो कई लोग दौड़ने वाले रहे होंगे उस समय, जिन्होंने आपके साथ दौड़ लगाई होगी, उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग हैं इस दुनिया में ताकतवर हैं, जिनको टेक्निक पता है, वो अपने अपने आसपास कैसे गांव गुरबों की बच्चियों को निकालें और बाहर करें? मेरा साथ दौड़ा था वो लोग, जो लोग दौड़े हैं आपके साथ एथलीट। हाँ, बट मैं तो ज्यादा ज्यादा कर रहा है, बट कोई लोग पहले वाला भी कर रहा है, सब लोग नहीं करता है, बट बिकॉज वी हैव टू यूटिलाइज,
हम तो यूटिलाइज करना है हमारा इंटरनेशनल प्लेयर्स ना, वो लोग अच्छा किया है पहले स्पोर्ट्स में, वो लोगों को हम यूटिलाइज करना है, मीन्स वो भी आना है, ऐसे में क्या कर रहा है ऐसे, सबको ऐसा स्कूल शुरू करके कोचिंग देने के लिए मुश्किल हुआ, फिर भी हमको क्या क्या मालूम है वो सब कुछ बच्चा लोगों को थोड़ा सीखे, वो भी ऐसा सब ऐसा करना है तो स्पोर्ट्स अच्छा हो जाएगा। एक एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने गोवा में किया, अब ओलंपिक आने वाले हैं, तो ओलंपिक में जब पहले सिलेक्शन हुआ करता था तब सिलेक्शन की प्रक्रिया कुछ अलग थी, आज जब आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो हर एक चीज को, जैसे यहाँ कई नए खेल आप लोगों ने इजाद किए और हो सकता है कल को आप ओलंपिक में भी रखें उसको, तो आज कितनी ट्रांसपेरेंट नीतियां आपने बनाई हैं कि मोदी जी के विजन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तकनीक और गाइडलाइंस के साथ सारे फेडरेशन एक साथ ओलंपिक में जाएं और नए मेडल्स जीत के लाएं। करना है ऐसे, बिकॉज आजकल बहुत एक एसोसिएशन आप देखा तो तीन होगा और दूसरा में ओलंपिक एसोसिएशन देखा उसमें भी दो तीन होगा, तो ये सब इसीलिए प्रॉब्लम है बच्चा लोगों को, एथलीट के लिए एथलीट को प्रॉब्लम हो रहा है, वो तीन एसोसिएशन में कैसा करेंगे ऐसे, तो वी आर ट्राइंग टू मेक ईच एंड एवरी डिसिप्लिन वन एसोसिएशन, सम ऑफ दम अभी थ्री डिसिप्लिन में हमें एडो कमिटी बनाया है आईओए ने, दूसरा हम डिसमिस करके सस्पेंड करके हम एडो कमिटी बना के अभी नया इलेक्शन के लिए जा रहा है, ऐसा सब क्या क्या प्रॉब्लम है एसोसिएशन में वो सब ऐसे निकाल के एक एसोसिएशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, फिर तो एक एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट सपोर्ट एंड आईओए डू गुड देन द प्लेयर्स के लिए अच्छा होगा, वो हम वही है हमारा बहुत बहुत एक एक एसोसिएशन का है, बहुत प्रॉब्लम है वो तो सब अभी ट्रैक में आ रहा है, एक आई थिंक विद इन वन ईयर विल सॉल्व इट एवरीथिंग, मतलब अब जो फेडरेशन की राजनीति में खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा था अब वो खत्म होगा, एक फेडरेशन और खिलाड़ियों की एक टीम और इंडिया एक टीम एक स्पेशली टेल अबाउट टाइकोंडो मे बी इधर दो है, दो तो करके एक होना चाहिए, बिकॉज दो है तो फाइटिंग होता है ना, तो बच्चा लोग किधर जाएंगे, तो इट शुड बी वन ओनली, ऐसा वॉलीबॉल में था वो भी एक सस्पेंड करके एडो कमेटी बन गया, अभी नया हो जाएगा एक ही होगा, अब रेसलिंग में था प्रॉब्लम वो भी एडो कमेटी बन के ठीक से आने वाला है, ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम है क्या क्या एसोसिएशन प्रॉब्लम है एक करके एक आना चाहिए, एक एक एडो वन एक एसोसिएशन अंडर प्लेयर्स के पार्टिसिपेट कर सकता है, अच्छा परफॉर्मेंस भी आ जाएगा तो चांस भी मिलेंगे ना पार्टिसिपेशन करने के लिए, एंड इफ यू ऑर्गेनाइज दी एवरी स्टेट नेशनल गेम्स अपना लोकल गेम में भी सपोर्ट करना है, इसीलिए इसे पहले 37 डिसिप्लिन था अभी 43 डिसिप्लिन हम कर दिया है, तो मोटिवेशन करना है ना तो अपना लोकल गेम को भी थोड़ा एनकरेज करना है, उसमें अच्छा होगा बाद में। तो देश की बेटियों को पीटी उषा जी की तरफ से एक संदेश कि आखिर गांव की एक बेटी उड़न परी बनी, तो बच्चियां आज कैसे उड़न परी बन सकती हैं किसी भी खेल में बन सकती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही है मेरा, यही मैं देखो मैं अभी भी नहीं सोचा ये आ जाएगा ओलंपिक एसोसिएशन और राज्यसभा, मैं सिर्फ विलेज का लड़की था, मैं प्रैक्टिस करके मेडल इंडिया के लिए बहुत कर दिया तो मैं भी ये पोजीशन में आ गया है, ये तो नेचुरली प्लेयर्स की इंस्पिरेशन है ना, तो ऐसे होना चाहिए, हम तो दूसरे कुछ नहीं करना है, हमको एक ही लक्ष्य होना चाहिए हमारा कंट्री के लिए स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीतना है, वो करके हम प्रैक्टिस करना है, हार्डवर्क करना है, वो नहीं है ये नहीं है ऐसा नहीं है ऐसे बोल के ऐसे नहीं बैठना, तो वो तो हो जाएगा इट विल कम, बट हमारा टाइम कुछ नहीं था फिर भी हमको उतना कर सकता था ना, हम तो कुछ उतना किया है, बट अभी आजकल बहुत हमारा प्रधानमंत्री जी ने बहुत कर रहा है स्पोर्ट्स में बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो अभी वो नहीं ये नहीं ऐसे नहीं बैठना, लक्ष्य रख के प्रैक्टिस हार्डवर्क करना है वो जीत जाएंगे 100% they'll be able to achieve the medal if they focus on their event एंड बाकी सब आ जाएंगे बाद में। अब एक सवाल, जब आप कुर्सी पे बैठी हैं आईओ चेयरमैन पर और जब आप एथलीट थी, जब आप दौड़ के लिए तैयारी करती थी, तो दोनों में आज ज्यादा कष्ट कहाँ लग रहा है? कष्ट यही है प्रेसिडेंट बना के बैठने का, बहुत कष्ट है,
बहुत प्रॉब्लम रहा अभी, बहुत लोग बहुत डिफरेंट है ना, तो बहुत यही प्रॉब्लम है। ये सबको इकट्ठा करके एक ही लाइन में लेके आना है, टीम वर्क करना है, तो टीम में अच्छा होगा। वैसे करके लेके कोशिश कर रहे हैं हम, इंडिया के लिए ज्यादा मेडल जीतना है, इंडिया का स्पोर्ट्स अपग्रेड करना है, वो मैं बहुत यह है मेरा लक्ष्य। खेल के मैदान से राजनीति के मैदान में जब आप राज्यसभा में गई तो क्या लगा आपको, क्योंकि देश के एक संविधान के मंदिर की जगह आप गई, तो उस समय कैसा सोचा था आपने कि पीटी उषा आज कहाँ आ गई है? मैं ऑनर, वो मेरा परफॉर्मेंस से मेरा प्रधानमंत्री जी ने बहुत किया है, मैं बहुत धन्यवाद देता है, वही से आ गया। मैं कभी भी नहीं सोचा इसी ने, बिकॉज मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्पोर्ट्समैन है। तो ये बड़ी बात है, और यह शब्द सिर्फ और सिर्फ पीटी उषा जी के जुबान से ही निकल सकता है कि पहले भी खिलाड़ी थी, आज भी खिलाड़ी हैं, क्योंकि इनकी साफगोई, इनकी सहजता और इनकी सरलता, यही भारत की बेटी की ताकत है, यही मातृशक्ति की ताकत है। इन्होंने ना सिर्फ साफगोई से अपनी बातें रखी, बल्कि फेडरेशन के तामझाम में फंसे हुए खेल को निकालने की निजात की अपनी बात भी रखी। GTCC चेयरमैन के साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का इनका एक सदस्य किस तरीके से गोवा में खेल को संवार रहा था, उसकी डे टू डे प्रैक्टिस से लेकर आज तक, अभी अवार्ड सेरेमनी से लेकर कई साक्षात्कार तक, पीटी उषा जी उसी मुस्कान के साथ हैं जिस मुस्कान के साथ बोला जाता था कि जब यह मैदान में दौड़ती थी तो इनके फर्राटे को देखकर लोग दंग रह जाते थे। गोल्ड मेडल से लेकर राज्यसभा सांसद और बतौर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अध्यक्षा रहना, पीटी उषा जी उन लड़कियों के लिए मिसाल हैं जिनको लगता है कि गांव में सिर्फ गरीबी बसती है, गांव में पीटी उषा जी जैसी शख्सियत भी बसती हैं जो इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं, और यकीनन भारत आने वाले समय में खेल के मामले में विश्वगुरु बनेगा, क्योंकि दुनिया को एक नई दौड़ की पहचान देने वाली गुरु आज उस पूरे के पूरे ओलंपिक संघ को लीड कर रही हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।